वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठक को लेकर मीडिया से बात उन्होंने की और कहा कि जब हमारे पास में संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर बैठे प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, ये देश के लिए गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव में ही मोदी सरकार की उपलब्धियां नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि जीत दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यूपी में 80 में से 80 सीट एनडीए जीतेगी और देश में 400 के पार सीट मिलेंगी, जीती जाएंगी। वहीं राहुल गांधी के सनातन विरोधी बयान के सवाल पर भी कहा कि राहुल गांधी की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी गाड़ी के आगे और पीछे कोई नहीं, ऐसे हताश निराश राहुल बार बार बयान देंगे। ऊपर की पार्टी संगठन पर बहुत बल देती है और जब हमारे पास संगठन से निकलकर देश के शीर्ष स्थान पर प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे सबका कर्तव्य ये भी बनता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार उसके लिए कमर कस ले, मोदी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं, उसने संगठन को और मजबूत करें ताकि हर पोलिंग बूथ पर 370 से ज़्यादा की लीड दिलाने का लक्ष्य रखा जाए। उसके चलते आज इस क्लस्टर की बैठक रखी गई है। अभी मैं चंदौली जा रहा हूँ और वापसी पे आते हुए बनारस में भी आऊँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस क्षेत्र ने पहले भी सब सीटें जिताई हैं और अब की बार तो यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे और देश में 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी को। और मोदी जी ने कहा है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अगले 5 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को अपनी तीसरी टर्म में बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम सबका एक संकल्प ये भी है कि विकसित भारत गढ़ने बनाने के लिए जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, उसको लेके भी लगातार प्रयास जारी है। 18 साल के युवाओं से, 18 साल से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई, उनसे कहूंगा अपना मत वोट बनाइए भी और मतदान कीजिए भी। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा, इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है, एक तरह से विदाई यहाँ से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहाँ से हार के वायनाड चले गए थे तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी उसका दर्द मुझे भी आज तक नहीं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती है। सोनिया जी को कई बार जिताया लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की, तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा के सांसद नहीं, कहीं और से जाने, क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन।